हेलो बच्चों, कैसे हो? आज मैं आपको जो कंसेप्ट या ट्रिक्स देने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस ट्रिक से या इस कंसेप्ट से मेंस या नीट के एग्ज़ाम में मिनिमम एक क्वेश्चन रहता ही है। इसलिए हम इस ट्रिक्स या कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे और आसानी से भी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कोई गिवेन कंपाउंड होगा या स्ट्रक्चर होगा तो आप कैसे पहचानोगे कि वो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, राइट? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एरोमेटिसिटी। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर, हम कैसे पहचानेंगे कोई गिवन स्ट्रक्चर एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि पहले चीज़ की आप इसकी बात तभी करेंगे जब आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, साइक्लिक। पहला कंडीशन जो है कि अगर आपको कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखा, साइक्लिक स्ट्रक्चर इन द सेंस कि एक क्लोज रिंग आपको दिखेगी, राइट? एक से ज़्यादा हो तो भी चलेगा, बट मिनिमम एक क्लोज रिंग आपको दिखनी चाहिए, तभी आप इसकी बात करेंगे। तो इसलिए साइक्लिक स्ट्रक्चर मस्ट है, पहला पॉइंट। अब अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको दिख गया तो वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, कैसे पहचानेंगे? तो वेरी सिंपल, आपको क्या करना है, रिंग के सारे एलिमेंट रेजोनेंस में पार्टिसिपेट हो रहे हैं कि नहीं, वो चेक करना है। और वो कैसे चेक करेंगे? तो वाया रेजोनेंस की कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर रिंग के सारे एलिमेंट रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद चेक करना है सेकेंड पॉइंट कि उस रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। अगर दो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, डैट मीन्स दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, या 6 या 10 या 14। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वही है, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 6, डी में 10, एफ में 14, ये उसी टाइप का। डैट मीन्स 4 4 ऐड करते जाओ। अगर इतने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं तो फिर वो गिवन कंपाउंड आपका क्या होगा, फिर वो गिवन साइक्लिक स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, एरोमेटिक होगा। और एक ये रूल बोला जाता है, 4n+2π इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज, इस रूल को बोलते हैं हकर रूल। मेनली हम इसको यूज नहीं करेंगे, कैसे काउंट करेंगे मैं आपको एप्लीकेशन में बताने जा रहा हूँ। तो बस ये ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले को या इस रूल को हकर रूल बोलते हैं, जहाँ एन की वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि एंटी एरोमेटिक कैसे पहचानेंगे? तो अगेन वेरी सिंपल, सारा कंडीशन एरोमेटिक का ही रहेगा। डैट मीन्स रिंग के सारे एलिमेंट रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने चाहिए। ओनली थिंग जो डिफरेंस है वो क्या है कि 4 8 12 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने चाहिए। मतलब 4 का टेबल हो गया, 4 4 8 12 16 एक्सेट्रा। डैट मीन्स 4n π इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होना चाहिए, वेयर एन कैन बी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, तो ये हो गया एंटी एरोमेटिक का। अब अगर कोई स्ट्रक्चर आपका एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं, तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, वो नॉन एरोमेटिक। इसलिए मैंने एक पॉइंट लिखा है कि जो बच गया इन द सेंस, अगर वो एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक नहीं है, तो फिर क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। एक और उसको क्विकली कैसे पहचानेंगे कि रिंग में कोई ऐसा एटम आपको दिख जाए जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3 हो। रिंग में अगर कोई एक ऐसा एटम दिख गया जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो वो फिर क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। तो पहले तो ये फंडा क्लियर हो गया कि आपको एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक पहचानना हो या एंटी एरोमेटिक, तो सबसे पहले रिंग के सारे एलिमेंट रेजोनेंस में पार्टिसिपेट अगर कर रहे हैं, उसके बाद अगर 2 6 10 14 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है तो एरोमेटिक, 4 8 12 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है तो एंटी एरोमेटिक। और अगर रिंग में कोई एक ऐसा आइटम है जिसके एडिशन sp3 है, या फिर इन दोनों रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो अगर मैं इसमें स्टेबिलिटी की बात करूं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, एरोमेटिक कंपाउंड, उसके बाद नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और लास्ट में एंटी एरोमेटिक। डैट मीन्स एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और हाईली अनस्टेबल, इस बात को ध्यान रखेंगे, एंड एरोमेटिक कंपाउंड और हाईली स्टेबल। इसीलिए एरोमेटिक कंपाउंड को आप मान सकते हो कि वो एक आइडियल पर्सन है, इसलिए नॉन एरोमेटिक भी एरोमेटिक बनना चाहेगा, एंटी एरोमेटिक भी एरोमेटिक बनना चाहेगा। तो एरोमेटिक क्या हो गया, एक आइडियल पर्सन हो गया, तो नॉन एरोमेटिक वाले, एंटी एरोमेटिक वाले उसकी तरह बनने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरा एक स्लोगन रहेगा कि एरोमेटिसिटी के लिए कुछ भी कर सकता है, एरोमेटिक बनने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो आप इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करोगे, उसके लिए सिंपल सा हमने एक लॉजिक लिया है कि अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है तो आपको उसका कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेना है, 0 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। और कहीं पे नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है या फिर पाई बॉन्ड है,
तो आपको दो इलेक्ट्रॉन काउंट करना पड़ेगा। ध्यान दें कि अगर एक से ज़्यादा भी लोन पेयर हो तो भी दो ही इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। पाई बॉन्ड के केस में दो इलेक्ट्रॉन काउंट करना है और नेगेटिव चार्ज के केस में दो इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। कैसे, वो यहाँ पे आप देखो। अगर सपोज करो कि मुझे पता करना हो कि ये एरोमेटिक है या नहीं है, तो पहले तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, राइट, तो वो कंडीशन पास हो गया। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करना है तो ध्यान से देखो, पॉजिटिव सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है, पॉजिटिव सिंगल डबल डैट मीन्स रिंग का जो सारा एलिमेंट है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन कितने डिलोकलाइज हो रहे हैं, तो इसका तो कुछ नहीं लेंगे, जीरो, और पाई का आप लेंगे दो, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, रिंग का सारा एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, एरोमेटिक। चलिए नेक्स्ट नीचे वाले में आते हैं, सेकेंड पे। अगर आप ध्यान से देखो, नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है, नेगेटिव सिंगल डबल, पहले रेजोनेंस की कंडीशन चेक करनी कि वो हो रहा है कि नहीं। रेजोनेंस हो रहा है, रिंग का सारा एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो ध्यान से देखो, नेगेटिव का दो इलेक्ट्रॉन लेना है, दो ये, और पाई बॉन्ड का दो, सिग्मा का कुछ भी नहीं लेना है, नेगेटिव लोन पेयर पाई इन सब का इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, तो दो दो चार इलेक्ट्रॉन हो गए, चार इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट थर्ड वाले में ध्यान से देखो, पॉजिटिव सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है, पॉजिटिव सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है, डैट मीन्स रिंग का हर एक एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में। और इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो सिर्फ यही दो इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट, पॉजिटिव का तो लेना ही नहीं है क्योंकि वैकेंट है वो, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। नेक्स्ट वाले में ध्यान से देखो, नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है, नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहे हैं, राइट। नाउ कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो ध्यान से देखो, दो, ये चार और ये छः, छः इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो छः इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो फिर से क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक, टू, उसके बाद सिक्स, टेन एटसेट्रा एरोमेटिक में था, राइट। यहाँ पे ध्यान से देखो, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस, डैट मीन्स रिंग का सारा एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कितने डीलोकलाइज हो रहे हैं, दो इस पाई बॉन्ड के और दो इस पाई बॉन्ड के, टोटल फोर इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट वाले में देखो, पॉजिटिव सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन ये वाला जो एलिमेंट है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, राइट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना कुछ है। जैसे देखो, डबल सिंगल सिंगल तब पॉजिटिव है, तो सिर्फ रेजोनेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक में, मतलब ये तीन एलिमेंट ही आपका पार्टिसिपेट कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो अगर एक भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। या फिर आप ध्यान से देखो तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो क्या आएगा, sp3, अगर रिंग का एक भी एटम sp3 है तो नॉन एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट सेवन पे आते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, पॉजिटिव सिंगल डबल रेजोनेंस, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस, डबल सिंगल पॉजिटिव, रिंग का सारा एलिमेंट रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कितने डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो दो ये और दो ये, चार ही इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट अगेन, रिंग के सारे एलिमेंट रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, नेगेटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन कितना हो गए, दो इसके, दो इसके चार और दो इसके छः, छः इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक। नेक्स्ट ये बेंजीन रिंग हो गई, तो ध्यान से देखो, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डैट मीन्स पूरे रिंग के सारे एलिमेंट रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करें। इलेक्ट्रॉन कितने में, ध्यान से देखो, दो और ये दो चार और ये दो छः, सारे पाई वाले, छः इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कभी भी एक बेंजीन रिंग दिख गया, एक बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर में, तो वो ऑलवेज एरोमेटिक होगा। डैट मीन्स बेंजीन रिंग पर अगर मैं कुछ भी लगा दूँ, जैसे सपोज करो, इसलिए मैंने 10th एग्जाम्पल लिया है कि ये बेंजीन रिंग है, इस पर कोई भी ग्रुप लगा दिया, कोई भी ग्रुप इन द सेंस कोई भी ग्रुप आप लगा दो, जितना भी आप फंक्शनल ग्रुप जानते हो कोई भी लगा दो, फॉर एग्जाम्पल मैंने लगा दिया COH, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। या फिर कुछ भी लगा दो आप, सपोज करो बेंजीन रिंग पे मैंने इतना बड़ा स्ट्रक्चर कर दिया, कुछ भी कर दो, राइट, या फिर बेंजीन रिंग पे मैंने ऐसा कर दिया, एक और स्ट्रक्चर बना दिया, भले ये एरोमेटिक नहीं हो, तो ओवरऑल कंपाउंड क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। अगर बेंजीन रिंग पे कुछ भी सब्स्टिट्यूशन आप कर रहे हो तो वो कंपाउंड ओवरऑल एरोमेटिक ही रहेगा,
तो ये पॉइंट को आप लिख भी लेंगे कि बेंजीन रिंग पे कुछ भी मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो वो कंपाउंड ओवरऑल एरोमेटिक रहेगा। जैसे ध्यान से देखो, बेंजीन रिंग पे मैंने कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगाया तो भी एरोमेटिक, कोई ओपन चेन वाला लगा दिया तो भी एरोमेटिक, कोई क्लोज चेन लगा दिया भले ये एरोमेटिक नहीं है, राइट। बट एक बेंजीन रिंग अगर एरोमेटिक है तो ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या रहेगा, एरोमेटिक। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान से देखो, तो डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल ये रेजोनेंस हो रहा है। बाय द वे नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, बट नाइट्रोजन का लोन पेयर डबल बॉन्ड के पास ही है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, ये भी पूछा जा सकता है, तो ये यहीं पे रहेगा। तो रेजोनेंस में कौन जा रहे हैं, ये छः पाई इलेक्ट्रॉन, छः इलेक्ट्रॉन हो गए तो कितना हो गया, ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि वो डबल बॉन्ड पे ही है तो वो कंडीशन नहीं बन पा रही है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे ध्यान से देखो, तो आपके पास यहाँ पे भी लोन पेयर है यहाँ पे, तो दोनों लोन पेयर में से आपको बता रखो रेजोनेंस में कभी भी एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, तो लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल डबल सिंगल डबल रेजोनेंस की कंडीशन हो रही है, राइट। कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो वो ध्यान से देखो, दो ये चार, और इनमें से कोई एक ही लेना है तो दो छः इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। और ये सब कैसे एरोमेटिक कंपाउंड है, हेटरोसाइक्लिक। ये वाले कैसे हैं, होमोसाइक्लिक। सारे अगर एक ही टाइप के एलिमेंट से बने हुए हैं तो होमोसाइक्लिक, अगर एक भी एलिमेंट डिफरेंट है तो हेटरोसाइक्लिक। नाउ अगर इसको चेक करें तो ध्यान से देखो, नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर, राइट, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस, रिंग का सारा एलिमेंट रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो ये दो और ये दो चार और ये लोन पेयर वाले दो छः इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, एरोमेटिक। नाउ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14, कि ये एरोमेटिक है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, तो ध्यान से देखो कि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बना हुआ है, तो ये पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक कर दिया जाएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएंगे, क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पे पॉजिटिव। नाउ हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने एक पॉइंट बोला था आपको कि एरोमेटिसिटी के लिए कुछ भी करेगा, तो अगर ऐसा करता है ये तो क्या होता है, ध्यान से देखो, पॉजिटिव सिंगल डबल रेजोनेंस, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल पॉजिटिव, रिंग का सारा एलिमेंट रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो कितने हो गए, दो दो चार और दो छः, पॉजिटिव का तो लेना नहीं, तो सिक्स इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरीके से बना करके भी, या फिर इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव दिखा करके भी, या फिर ये ऑक्सीजन को हटा दे इतना ही करके पॉजिटिव दे दे तो भी, तो आपको करने आना चाहिए। एंड लास्ट 15, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, डबल सिंगल सिंगल रेजोनेंस ही नहीं हो रहा, ये एलिमेंट या ये एलिमेंट जो कि कार्बन है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, sp3 ऑक्सीडेशन है, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो आई होप ये सारे एग्जांपल आपको समझ में आए होंगे कि किस तरीके से मैं पहचान रहा हूँ कि ये गिवन कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। जाते जाते ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछ ले, ये सब रेजोनेंस के अप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कि इन दोनों कंपाउंड में से कौन एक्वस AgNO3 से रिएक्ट करेगा, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, Ag इज ए स्ट्रॉन्ग एफिनिटर ऑफ हेलोजन, वो हेलोजन को बाहर खींच लेगा, तो यहाँ पे आप बना करके देख लो, अगर हेलोजन चला गया तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ से हेलोजन गया तो आपका यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एरोमेटिक हो रहा है और ये नॉन एंटी एरोमेटिक हो रहा है, राइट। तो यू नो एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल है, इसलिए ये रिएक्शन आपकी नहीं होगी और ये रिएक्शन हो जाएगी। तो इस टाइप का आपसे पूछा जा सकता है कि विच विल गिव प्रिसिपिटेट विथ AgNO3 सॉल्यूशन, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो BR जाने से जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है वो रेजोनेंस में जा रहा है कि नहीं, और एरोमेटिक कंडीशन बन रही है कि नहीं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप से पूछे जा सकते हैं कि विच विल रिएक्ट विथ Na और विच विल रिएक्ट विथ Na टू गिव H2। तो अगर ध्यान से देखो, ये मेटल है तो यहाँ से हाइड्रोजन जब H+ के फॉर्म में निकलेगा जिसको सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा तो H2 गैस बनेगी, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और इस केस में यहाँ पे नेगेटिव। तो अगर पहले वाले में मैं देखूँ तो आपका कैसे हो जाएगा, इस टाइप से,
और इसकी वजह से ये क्या हो रहा है, एरोमेटिक, जो ऑलरेडी एप्लीकेशन में बात किए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या हो रहा है, एंटी एरोमेटिक, तो इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल होगी, ये नहीं होगी। तो इस टाइप से आपको देगा, डायरेक्ट भी पूछ सकता है या फिर थोड़ा सा उस वो क्या करेगा, आपके माइंड को घुमाएगा कि क्या ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि किसमें रोटेशन पॉसिबल है। तो ध्यान से देखो तो सिग्मा बॉन्ड के अबाउट को भी रोटेशन पॉसिबल है, पाई बॉन्ड अगर आ जाएंगे तो रोटेट नहीं कर सकते क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे देखना है क्योंकि प्रॉब्लम तो यहीं से होने वाली है। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो ब्रेक किस साइड करूँ, इस साइड करूँगा तो इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव आएगा, जो कि बेटर है। कैसे, तो ध्यान से देखो, ये सिंगल कर दिया, ये पाई बॉन्ड को मैंने ब्रेक कर दिया हुआ है, राइट, और ये डबल था, ये पहले से जो था, इधर मैंने नेगेटिव क्रिएट किया, इधर पॉजिटिव, इससे क्या हो गया, ये भी एरोमेटिक, राइट, और ये भी एरोमेटिक, दोनों एरोमेटिक हो गए। तो एरोमेटिसिटी के लिए कुछ भी करेगा तो इसलिए ये पाई बॉन्ड रहेगा ही नहीं, वो ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा तब ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो इसके अबाउट सिंगल रोटेशन पॉसिबल है, रोटेट हो सकता है, इसलिए ये रोटेट होंगे, बट ये नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी साइड ऐड करो तो एक साइड तो एरोमेटिक बनेगा लेकिन एक साइड एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, इसलिए इसमें सिग्मा, डैट मीन्स इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चौथा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एक्सेप्शन है, जैसे बच्चों को लगता है कि सर यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आपका डीलोकलाइज है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसको बोल देते हैं एंटी एरोमेटिक, जबकि ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जैसा आपको बना के देगा एक्चुअल में ऐसा है नहीं। ये कैसा स्ट्रक्चर है, एक टब लाइक शेप है इसका, कैसा है, टब लाइक शेप है इस टाइप से। तो ये नॉन प्लेनर हो गया, इसलिए ये कैसा है, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक, तो ध्यान रखना है ये वाला पॉइंट। और इस केस में भी इम्पोर्टेंट है, हाई लेवल पे बातें करें तो कि रेजोनेंस में कौन सा पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा, तो सारे पेरीफेरी वाले, देखो डबल सिंगल डबल, तो मैं ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ, पेरीफेरी पे रेजोनेंस होता है ओनली, आउटर पार्ट में, इनर पार्ट में कोई रेजोनेंस, मतलब ये पाई बॉन्ड आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, इसलिए कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो मेरे कहने का सिंपल सा मतलब क्या है, ये 5 क्वेश्चन जो हमने लिया कि कभी कभी आपको घुमा करके भी रेजोनेंस को अप्लाई करवा सकता है, कैसे करवा सकता है, विच विल गिव प्रिसिपिटेट विथ AgNO3 सोल्यूशन, तो आपको वही रेजोनेंस और एरोमेटिक की कंडीशन चेक करनी है, विच कैन गिव हाइड्रोजन गैस, सेम वही पॉइंट आपको देखना है कि वो निगेटिव चार्ज जो क्रिएट हुआ उसके वजह से एरोमेटिक हो रहा है कि नहीं, अगर एरोमेटिक हो रहा है तो रिएक्शन फास्ट होंगी, वैसे ही विच कैन रोटेट, तो वही पॉइंट है कि एरोमेटिक हो रहा है कि नहीं बॉन्ड ब्रेक होने के बाद। और ये एक एक्सेप्शन है जो कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है ड्यू टू नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, और कहीं कहीं पे रेजोनेंस में ऐसा भी होगा कि सिर्फ पेरीफेरी पे रेजोनेंस होंगे, हम इनसाइड वाले पाई बॉन्ड को नहीं लेंगे और उसकी वजह से ये एरोमेटिक होगा। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक के जितने भी क्वेश्चन अब आएंगे एग्जाम में आप कर लोगे। तो आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए।